राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 8 जुलाई को सुनवाई जारी है। आज पता चल सकता है कि री एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा या नहीं। अदालत अभी री एग्जाम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है। CJIDY चंद्रचूड ने पूछा कि इस आधार पर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। CJI ने कहा यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है, सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ दो लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। हम ये जानना चाहते हैं कि NTA और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं। CJI ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, सरकार से पूछकर बताएं कि क्या हम साइबर फॉरेंसिक विभाग के डेटा एनालिसिस यूनिट के जरिए पता नहीं लगा सकते कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है। इस तरह हम उन छात्रों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी कर फायदा उठाया है। अदालत 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दायर की है, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगाई है। 50 से ज्यादा री एग्जाम के खिलाफ याचिका लगाई गई है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।